हेलो फ्रेंड्स, मेरा सुपर भाग है और मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। लास्ट वीडियो को देखकर काफी दोस्तों ने ये बोला, कभी हंस भी लिया करो। आज का वीडियो का टॉपिक है ब्लैक पेन सीरीज। जैसे कि ये पेन आप देख सकते हैं, ये सेलो पेपर पेन है। इसका मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, मतलब यूज कर चुका हूँ। ये आर्ट आप देख सकते हैं, ये भूत मूवी की पोस्टर है, विकी कौशल की मूवी है। ये फोटो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तभी मैंने इसको बनाया था इसी ब्लैक पेन से, और ये हैचिंग है। चलिए शुरू करते हैं, मतलब कि शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि पेंसिल शेडिंग करते होंगे, उसी तरह यहाँ पे पेंसिल शेडिंग होगा। मतलब पेंसिल शेडिंग में ये होता है कि थोड़ा सा सॉफ्टनेस कर सकते कंट्रोल में, हमारे पेन और सॉफ्टनेस दिखाना पड़ता है कंट्रोल के साथ। जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ, बहुत स्लो स्लो कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि इंक बहुत निकलता है अगर आप स्पीड में करें या थोड़ा जो लगे करेंगे। तो इस पेपर से पूछा है मैंने, धीरे धीरे करना पड़ेगा। जितना सॉफ्टनेस से करेंगे उतना ही आपका काम अच्छा निकलेगा। वो हैचिंग से ही शुरू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा किस तरह से इसका टोन बनता है। जैसे आप पेन से स्ट्रोक देते हैं, वैसे यहाँ पेन से स्ट्रोक दे रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आपको डार्क करना है, तो अलग डायरेक्शन में चलाना है, क्योंकि जो वॉल्यूम बनाना होता है ना किसी एक फॉर्म का, तो उसको वैसे सेटिंग देते हैं। अब आँख दिख रहा है आपको, यहाँ शुरू करेंगे शेडिंग देना। अब कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पहले बताया था उसी तरह मैं शेडिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे कि मैं लेफ्ट हूँ तो मैं ऐसे स्टोन दे रहा हूँ। अब किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं, ये आपके हाथ में। मैं ये करते करते ही आएगा। स्टार्टिंग हमेशा ही अपना जो स्ट्रोक्स है एकदम लाइटली रखना, बहुत फोर्सफुली मत चलाना, क्योंकि फिर एक बार गलती हो गई तो हो गई, उसको इम्प्रूवमेंट से दोबारा ड्राइंग बनाना पड़ेगा, देन दोबारा उसे सेटिंग देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे फर्स्ट टोन हम देते हैं लाइट टोन के, तब धीरे धीरे देते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम ऐसे दे रहे हैं, धीरे धीरे स्ट्रोक चला के दे रहे हैं। अब थोड़ा मैं फास्ट करूँगा उसको मैं। फिर दोबारा वही हल्का धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ। स्ट्रोक्स देख सकते हैं ना, दिख रहा है आपको यहाँ पर। आप किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं, आपके हाथ में, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको सीधा ही चलाना। जैसे कि आपने देखा कि हमने पहले लाइट के फिर डार्क दिया, इससे यह कि आपको धीरे डार्क करने में सही रहता है। और एक बार में डार्क कर दोगे ना तो गलती हो जाती है, जैसे कि ऊपर आपको गलती दिख रही होगी, मैंने एक मोटा सा स्ट्रोक लग गया। कोशिश यही करें कि बहुत सॉफ्टनेस से जाए एकदम, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं होता है और करते करते एक हैबिट बन जाती है। जहाँ आपको लगता है कि डार्क से शुरू होना चाहिए, आप डार्क कर सकते हैं। मैं एकदम तो डार्क मत करने चाहिए,
धीरे धीरे डार्क करिए, क्योंकि उनका भी एक वॉल्यूम बनता है, जैसे कि आप आंखों में देखोगे धीरे धीरे। जैसे कि आईज देख सकते हैं, सर्कल है तो उसका वॉल्यूम इस तरह से निकालेंगे हम। इतना डार्क, इससे डार्क कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको सही लगे। ये करते करते ही आएगा, एक बार में कभी डार्क मत करना, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि याद रहे, क्योंकि पेन हमेशा डार्क ही रहता है। अभी आधी आँख बन चुकी है और आधी आँख हम नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपने कहीं कहीं लाइन सुनी होगी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब कि पेन का यूज करके देखें, देन मेरी वीडियो में विश्वास हो जाएगी। आज जो टेक्निक मैंने बताई है यूजफुल है भी या नहीं है। अगर मेरा काम आपको पसंद है तो लाइक कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो, इसके अलावा भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो मेरी देखते रहिए। शुक्रिया।